लोग जो हैं यहाँ एक जगह एक प्लेट पर खाना खाते हैं, एक यही जगह है। मैंने देखा मैं हिंदुस्तान में भी गया हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कश्मीर में भी देखा है। लेकिन एक तो ऐसा लंगर भी नहीं किसी जगह, एक यहाँ किसी जगह इकट्ठे लोग एक जगह खाना नहीं खा सकते। यही जगह है एक जिसमें हिंदू भी मुसलमान भी सिख भी ईसाई भी सब एक प्लेट पर एक दस्तरखान के ऊपर खाना खाते हैं। कहते हैं कि सबसे अपनी जान बचाओ, ये क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। मास्क रखो, जैसे अब गवर्नमेंट का आर्डर है मास्क लगाना, मास्क रखो, एक दूसरे से दूरी रखो ताकि अपना आप बचाने की कोशिश करो। आओ, हम नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह के वली के दरबार से कोई बंद हो सकता है, लेकिन आओ, लेकिन अपने आप को भी बचाओ। एहतियात से आओ, एहतियात रखो अपनी। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حضرات آج ہماری حاضری دربار شریف میں ہے آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے اور لوگ بہت ہی تعداد میں یہاں پر آتے ہیں اور پہلے سے ہی آتے رہے ہیں یہاں پر ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں हर तरीके के लोग आते हैं और बाबा साहब ने यहाँ से फैजियाब होते जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बीमारियों की शिफा भी यहाँ मिलती है और तमाम बीमारियों से दूर रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह शरीफ से फैजियाब जारी है और यहाँ पर कई करामात जारी हैं बाबा साहब की। अल्हम्दुलिल्लाह
यहाँ सब कुछ सबके लिए बराबर है। भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाबा साहब के यहाँ सब बराबर नजर से देखे जाते हैं और बराबरी ही फैजाब मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने देखा जैसे कि हम हाजिर हुए, यहाँ एक दर्द है जिस पर सदाबहार फल हर टाइम फल लगे रहते हैं और लोग उसको देखकर फैजाब होते हैं। लोग अपनी मन की मुरादें पूरी करते हैं, लोग अपने दिल की जो मुराद लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर दिल से दुआ करते हैं तो बाबा साहब उनकी मुरादें पूरी करते हैं।